हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम नीमका थाना में जान शामिल हो गए तो जिक्र करेंगे भी क्या? हमारी तो पूरी संपूर्ण जनता का जिंदगी और मौत का सवाल है। और बताना चाहता हूँ कि झूठे लोगों का भरोसा करने की जरूरत नहीं, नीमका थाना जिला बन चुका है, गुड्डाकोट जी शामिल हो चुका है इन मंत्री जी के कहने में, और इन लोगों के बहकावे में आने से हमारा काम होने वाला नहीं है। वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते आए हैं। आंदोलन करेंगे, सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। जनता ने तय किया है, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर नीमका थाना में नहीं जाएंगे। गुड्डाकोट जी तहसील का नए बनने वाले जिले नीमका थाना में शामिल किया जाना इस तहसील के लिए काला अध्याय है। इसलिए संपूर्ण गुड्डाकोट जी तहसील और गिरदावरी सर्किल रघुनाथपुरा की ग्राम पंचायतों ने मिलकर इस काला दिवस के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए कल प्रातः 1 अप्रैल शनिवार 2023 को एक काला दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक महान महा आम सभा का आयोजन किया है। गुड़ा तहसील और रघुनाथपुरा गिरदावरी सर्किल को नीमका थाना में शामिल करने के विरोध में हम सब के स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए विशाल जनसभा का जो आयोजन किया गया है उसकी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। और गुड्डाकोट जी को संकट की इस घड़ी में आम आदमी की उपस्थिति और आम आदमी का संघर्ष ही वहां जाने से बचने का एक विकल्प बचता है। इसलिए कल 24 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने बहुत जोशों खरोश और आक्रोश के साथ तय किया है कि कल प्रातः 10 बजे हम गुड्डाकोट जी के मुख्य बाजार की सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, एक बहुत विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। गांव के लोग नाचते गाते नगाड़े बजाते हुए ऊंट गाड़ियां घोड़ों और गाड़ियों में बैठकर ट्रैक्टरों में बैठकर किसान बहुत बड़ी संख्या में यहां पहुंचने वाले हैं। जनता ने मानस बना लिया है कि जब तक सरकार गुड्डाकोट जी की संपूर्ण तहसील और रघुनाथपुरा तहसील के गाँव को नीमका थाना में जाने से रोक नहीं देती, इस प्रकार का आदेश सरकार नहीं जारी कर देती कि इन 24 ग्राम पंचायतों को नीमका थाना में नहीं मिलाया जाएगा, तब तक कि जनता इस आंदोलन को ठंडा होने नहीं देगी। जनता में बड़ा आक्रोश है। जनता में हम लोग पिछले 20 तारीख से लगातार एक संघर्ष समिति का गठन करके जिसके संयोजक माननीय कूड़ाराम जी, सह संयोजक माननीय मूलचंद जी खरीटा, नरेंद्र जी गढ़वाल, जेपी जी महिला, डॉक्टर विकास जी गिल, मैं स्वयं, जेपी जी महिला और सब लोग, हमारे पूर्व सरपंच प्रहलाद सिंह जी, मेहताब सिंह जी घरवास, अनेकों लोग जिन्होंने मिलकर इस समिति का गठन किया और गांव-गांव ढाणी ढाणी में जाकर लोगों को ये बात, लोगों तक ये बात पहुंचाई है। एक बिगुल सा बज चुका है, लोग जागृत हो चुके हैं और लोगों ने विश्वास दिलाया है कि कल हरेक घर से महिला और पुरुष बिल्कुल समूह में आकर गुड्डाकोट जी में आम सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। जनता ने तय किया है, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर नीमका थाना में नहीं जाएंगे। इस आशय को लेकर कल एक बहुत बड़ी आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे क्या सर? शिक्षण संस्थाओं से हमने निवेदन किया है, उनको भी नीमका थाना में जाने से दिक्कत है। अब जैसी भी व्यवस्था है, हमने किसानों के बच्चे हैं, हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्कूलों में बच्चे सब हमारे ही हैं, इसलिए उनको है कोई असुविधा नहीं हो ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश तो की है और उनसे निवेदन भी किया है कि शिक्षण संस्थान बंद रहें तो ज़्यादा अच्छा है, पर ना भी बंद रहेंगे तो हम जितनी कोशिश हमारी होगी हम उनको, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो इस प्रकार की कोशिश करेंगे। बाकी हमने शिक्षण संस्थाओं से सबसे निवेदन किया कि कल एक दिन वो अपनी संस्थाओं को बंद रख के हमारा सहयोग करें, इस बात के लिए हमने उनसे निवेदन भी किया है। मीडिया के जरिए क्या आह्वान करेंगे उन ग्राम पंचायतों को जिनमें सभाएं हुई हैं, कल बड़ी सभा करने वाले हैं? उनको आह्वान किया है, निवेदन किया है कि आप कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। पुनः मैं आपके मीडिया के माध्यम से हरेक ग्राम पंचायत के युवा, बुजुर्ग, महिला, हरेक व्यक्ति जो गुड्डाकोट जी तहसील में रहता है, जो रघुनाथपुरा सर्किल के गाँव में रहता है, समस्त गाँव के लोगों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महासभा को सफल बनाएं और आने वाले समय में
अपने आप को नीमका थाना में जाने से बचाएं, अपने आप को झुंझुनू जिले में बनाए रखने के लिए सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कलयुग में संगठन ही शक्ति है, संगे शक्ति कलयुगे, और संगठन में शक्ति होगी, संगठन में लोग आएंगे और एकजुट होकर इस बात को बुलंद करेंगे तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और हमको बुढ़ागोड़ जी को झुंझुनू जिला में मिलाना पड़ेगा। सर, सरकार में बैठे लोग और आपके विपक्ष से लोग ये कह रहे हैं कि विधायक सुपन चौधरी आत्मदाह करने वाले थे, इस विषय को लेकर आगे आप क्या कहेंगे? विषय आत्मदाह का है नहीं, विषय आत्मदाह का है नहीं। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम नीमका थाना में जान शामिल हो गए तो जिक्र करेंगे भी क्या? हमारी तो पूरी संपूर्ण जनता का जिंदगी और मौत का सवाल है। अब हमें वैसे भी जीना अच्छा नहीं लगता और सुखगण चौधरी के आत्मदाह के लिए कोई बहुत लोग चिंतित हैं तो आ जाए यहाँ, वो इस बात का भरोसा दे दें कि सिर्फ आपके आत्मदाह से ये जिला बस, ये जो बुढ़ागोड़ जी तहसील नीमका थाना में जाने से बच सकती है तो इसका भरोसा तो मुझे दिलाएं, वरना जनता तय करेगी। जनता मुझे कहेगी कि हमें ये काम करने से हमको सफलता मिल सकती है, हमको न्याय मिल सकता है, तो मैं कहीं कदम पीछे हटाने वाला नहीं। लेकिन आज तो हमने तय किया है कि पहले हम संघर्ष करेंगे, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहले ही आपसे कहा है मैंने कि हम चाहे मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे पर नीमका थाना में नहीं जाएंगे तो फिर बात बाकी रहे कौन सी। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि गुड़ागोड़ी तहसील नीमका झुंझुनू जिले में ही रहेगी, राजनीति चमकाई जा रही है। स्थानीय विधायक ने आज के 6 महीने पहले कहा था कि उदयपुरवाटी विधायक, पूर्व विधायक मात्र राजनीति चमका रहे हैं, बुढ़ागोड़ जी कहीं नीमका थाना में जा ही नहीं रहा, नीमका थाना जिला ही नहीं बन रहा। उन्होंने ये तक कहा था कि सुरेश मोदी एक विधायक है, वो जानते क्या है, मैं तो मैं यहाँ सरकार का मंत्री हूँ, कोई बुढ़ागोड़ जी नीमका थाना में नहीं जा रहा, जिला अगर बनेगा तो उदयपुरवाटी बनेगा, वो तो टाइम टाइम फिक्स हो गया। कहाँ नीमका थाना ही जिला बन गया, उदयपुरवाटी तो नहीं बना, तो किस बात का भरोसा करें? वो पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं, इसलिए कि हमारा आंदोलन असफल हो जाए, लोग जमा नहीं हो जाए और उनकी हालत खराब नहीं हो जाए। मैं जनता को जगाना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि झूठे लोगों का भरोसा करने की जरूरत नहीं। नीमका थाना जिला बन चुका है, गुड़ागोड़ जी शामिल हो चुका है, मात्र एक ही विकल्प बचता है कि हम जोरदार संघर्ष करें, अच्छी संख्या में यहाँ महापंचायत के माध्यम से सरकार की आंखें खोलें ताकि हम लोग बच सकें। इन मंत्री जी के कहने में और इन लोगों के बहकावे में आने से हमारा काम होने वाला नहीं है, वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते आए हैं।